अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खान फूडी ब्लॉग। तो हाजिर हूँ आपके सामने एक नई रेसिपी लेकर जो है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली। इसको आप पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं और दाल बनाइए तो दाल के साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसको वॉश करके अच्छे से इसके डंठल अलग कर दिए हैं और इसको बीच में से कट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिए 2 टेबल स्पून सौंफ, 3 टेबल स्पून हमने लिया है यहाँ पे भरकर धनिया, 1 टेबल स्पून हमने ली है हल्दी पाउडर, 10 से 12 हमने ली है यहाँ पर लहसुन की कलियाँ, 2 टेबल स्पून हमने लिया है अमचूर पाउडर, 1 टेबल स्पून हमने लिया है नमक, नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या बढ़ती कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून हमने लिया है यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल। तो फ्रेंड्स, जो हमारा मस्टर्ड ऑयल था इसको हमने एक पैन में कर दिया है। इसी के साथ हमने इसमें डाल दी है सौंफ और लहसुन, इसको हमने दरदरा पीस लिया था ये देखिए। साथ ही हम इसमें डाल देंगे अब हरी मिर्च, सारी हरी मिर्च हमने इसमें डाल दी हैं। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे अपने सूखे मसाले ये देखिए, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करना है इसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आराम आराम से हम इसको चलाएंगे ताकि हमारे जो भी सारे मसाले हैं वो अच्छे से हरी मिर्च के अंदर मिक्स हो जाएँ। ये देखिए बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है ये देखिए, बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है इसे, मसाले हमारे लगने नहीं चाहिए नीचे और गैस का फ्लेम हमें हाई पर ही रखना है। इसको मिक्स करते रहना है ये देखिए। इसमें हम बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे फ्रेंड्स और बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम स्लो करके बिल्कुल, और इसको अच्छे से पकने देंगे 10 से 15 मिनट तक, उसके बाद इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लग रही है ये, देखने में खाने में उतनी ही लजीज बनी है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको आप पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप नए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।